जमीन की गैरकानूनी फरोख्त का केस एंटी करप्शन कोर्ट ने अदम सबूत की बिना पर शेख रशीद को क्लीन चिट दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वजीर दाखला बोले, हुक्मरानों के चेहरों पर नहुसत वाजे और शिकस्त मुकद्दर है। ज़मीनी इंतखाबात मुलतवी करके पंजाब के साथ साजिश हो रही है। चौधरी बरादरान के दरमियान सुलह कराने को तैयार। गैर कानूनी फरोख्त का इल्जाम साबित नहीं हुआ। एंटी करप्शन कोर्ट ने शेख रशीद को क्लीन चिट दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर दाखला बोले, गैर मकबूल तरीन हुकूमत इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती। हुक्मरानों का अल्ट्रासाउंड हो चुका, एक्सरे रिपोर्ट भी हर घर में पहुँच चुकी है। शिकस्त इनका मुकद्दर है, नहुसत इनके चेहरे से पड़ी जा सकती है। जितने वजीर इन्होंने और मशीर रखे हैं, इसका पाकिस्तान की तारीख में कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। कोई इनके पास मंसूबा बंदी नहीं है, कोई इनके पास पेश बंदी नहीं है। गरीब है, वो मर रहा है, इनकी सियासी साख राख बन चुकी है। इस हुकूमत का अल्ट्रासाउंड हो चुका है, एक्सरे की रिपोर्ट भी हर घर में पहुंच चुकी है इमरान खान के जलसे की हैसियत से। शेख रशीद का कहना था, ज़मीनी इंतखाबात मुलतवी करके पंजाब के साथ साजिश की जा रही है। शक है कि वो ज़मीनी इंतखाब मुलतवी कर रहे हैं, वो पंजाब के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, नाकाम होंगे। मेरी ख्वाहिश है के शुजात और परवेज दोनों आपस में सुलह करें। साबिक वज़ीर दाखला का मजीद कहना था, मेरी ख्वाहिश है चौधरी बरादरान आपस में सुलह कर लें, मेरी जरूरत पड़ी तो हर मुमकिन मदद करूँगा। एक बार फिर नंबर वन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।